हेलो फ्रेंड्स, फाइव स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कांगो रेड। कांगो रेड की हम बात कर रहे थे। कांगो रेड से पहले हमने इस टॉपिक के अंदर क्रोमोफोर की चर्चा कर ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज की चर्चा कर ली थी और मेथिल जो ऑरेंज है उसकी भी चर्चा कर ली थी। ये पढ़ रहे थे हम, BSc फाइनल का टॉपिक चल रहा था हमारा, BSc फाइनल ईयर का टॉपिक चल रहा था। कांगो रेड की हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो कलर की बात करते हैं, कलर क्या है? रेड है, रेड कलर है, रेड कलर है। तो हम बोल सकते हैं इनके अंदर ये क्या है कि एजोडाइज है। ये क्या है कि एजोडाइज है। एजोडाइज है तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? एजो ग्रुप प्रेजेंट होगा। एजो ग्रुप का मतलब इसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। कहने का मतलब एजो ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे क्रोमोफोर प्रेजेंट है। एजो ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे क्रोमोफोर प्रेजेंट है। और क्रोमोफोर क्या कहता है कि क्रोमोफोर कलर वहाँ देता है जहाँ पर अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोफोर कहाँ कलर देगा? जहाँ पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करें कि यहाँ पे एजो ग्रुप की, कांगो रेड एक प्रकार की क्या है? डाइज है, एजोडाइज इसको बोलते हैं। रेड कलर है, एजो ग्रुप प्रेजेंट है। एजो ग्रुप प्रेजेंट है उसका मतलब यहाँ पे क्रोमोफोर प्रेजेंट है, और क्रोमोफोर प्रेजेंट है तो ये क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एजो ग्रुप कौन कौन से हैं। तो एजो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे एक तो है नेप्थेलिक अम्ल और एक है टेट्रा एजोटिकृत बेंजिलिडिन, टेट्रा एजोटिकृत बेंजिलिडिन। ठीक है, अब ये दोनों क्या रह गए यहाँ पे, एजो ग्रुप रह गए। इसका मतलब यहाँ पे इन एजो ग्रुप में क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। चलिए इन दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ये होंगे दो मॉलिक्यूल, जो नेप्थलीन है ये दो मॉलिक्यूल और ये बेंजिलिडिन वो हो गए टेट्रा प्लस। NH2 यहाँ से NH2। अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो गई, टू नेप्थलिक अम्ल टेट्रा एजोटिकृत बेंजिलिडिन। अब इन रिएक्शन इनके हम रिएक्शन किस किस से करवाते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो नेप्थेलिक और जो टेट्रा एजोटिकृत बेंजीन है वो क्या करता है कि जो हमें नीला रंग प्राप्त होगा उसको क्या करेगा, NaCl की प्रेजेंस में क्या कर देगा, लवणीकृत कर देगा। NaCl की प्रेजेंस में लवणीकृत करेगा। तो NaCl की प्रेजेंस में जो नीला कलर है, ब्लू कलर है, उसको लवणीकृत करके डाइजोल्व क्या करेगा, रेड कलर शो करेगा। नीले कलर को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड कलर में शो करेगा NaCl की प्रेजेंस में। NaCl क्या करता है, उसको लवणीकृत करेगा और डिजोल्व रेड कलर बना देगा। यहाँ पे हम बात करें टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और NaNO2 की प्रेजेंस में ये काम करेगा। NaNO2 की प्रेजेंस में काम करेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। अब ये जो यहाँ पे जो NaCl हमने लिया है इसको क्या करना है, लवणीकृत करना है। लवणीकृत करेंगे तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। तो बॉन्डिंग किस प्रकार से बनेगी उसको हम देखते हैं उसी स्ट्रक्चर को। सबसे पहले इधर देखिए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, यहां से हम क्या करेंगे, एन डबल बॉन्ड एन,
इसको हम बोलते हैं कांगो रेड, कांगो रेड। देखिए कांगो रेड हम देख रहे थे कि यहाँ पे बॉन्डिंग बनानी थी, सिंगल बॉन्ड में सारे कन्वर्ट थे। जैसे ही ये NH2 यहाँ से इनसे बॉन्डिंग बनाएगा तो N N हो गया, तुम बोल सकते डबल N बन गए, डबल N बन गए। और ये क्या बना लेंगे, NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, टेट्रा एजोटिक्रत बेंजीडीन लिया है। तो दो नाइट्रोजन यहाँ हैं, दो नाइट्रोजन यहाँ हैं, तो दो और दो चार हो गए, तो दो नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो दोनों के मध्य हम बात करें कि इस नाइट्रोजन के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हमने देखा है कि ये एजोडाइज क्या कर रही है, कलर शो कर रही है, तो इनके अंदर क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो एन डबल बॉन्ड, एन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एन डबल बॉन्ड, एन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या है, कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, टू नेफ्थेलिक अम्लो टेट्रा एजोटिकल बेंजीडीन लिया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई। तो जो हमें ब्लू कलर प्राप्त होता है, उस ब्लू कलर को NaCl की प्रेजेंस में लवणीकृत करने के बाद हमें क्या होगा, डिजोल्व जो रेड कलर है वो प्राप्त हो जाएगा, जो किसका है, कांगो रेड का है। और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, तो यहाँ से जो NH2 और NH2 यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे क्लोरीन के साथ में। तो ये हम सिंपली हम बात करें तो ये क्या लेंगे, HCl लेके बाहर निकलेगा। तो HCl के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे क्या बच जाता है, N2 बच जाता है, N2 बच जाता है। तो ये N2 क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है, N2 क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो N2 तो N डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो गया, N डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम बात करें, ये हमारे पास क्या आ गई है, कांगो रेड की स्ट्रक्चर आ गई, कांगो रेड की स्ट्रक्चर आ गई। अब बात करते हैं इसकी कुछ यूज की। तो यूज की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसा है, अम्लीय डाइज है या अम्लीय रंजक है, ये क्या है, एसिडिक डाइज, एसिटिक डाइज है, या इसको हम बोल सकते हैं अम्लीय रंजक है, अम्ल की प्रेजेंस में काम करता है, इसको हम बोलते हैं अम्लीय रंजक ही कहते हैं। फिर आगे हम बात करें, ये एक सूचक के रूप में भी काम करता है, ये क्या करता है, एक सूचक के रूप में भी काम करता है। आगे हम बात करें, सूती वस्त्रों को रंगने में भी काम आता है। सूती वस्त्र मान लो, या नायलॉन के हो गए, कई कपड़े ऐसे हैं जो जो रेड कलर हम शो करवाना है, उन कपड़ों में हम क्या करते हैं, इस कांगो रेड का यूज करते हैं, क्योंकि एक डाइज है, कलर है, कलर क्या देते हैं, कलर। हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में, कपड़ों को रंगीन बनाने में उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप का कलर को शो करवाया जाता है। तो सूती वस्त्र मान लो या वैसे कपड़े मान लो, उनके अंदर क्या दिया जाता है, कांगो रेड, क्योंकि कांगो रेड का जो रंग है, रेड कलर, वो क्या होता है, पक्का होता है, निकलता नहीं है, पानी के साथ बाहर नहीं आता। तो ये क्या हो गई, इसके यूज हो गई, ठीक है। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है जो हम आज का जो टॉपिक था हमारा, कांगो रेड किसके अंदर पढ़ रहे थे, सिंथेटिक डाइज के अंदर पढ़ रहे थे, BSc फाइनल ईयर का है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कलर कैसा है, रेड कलर है, रेड कलर है, तो इसके अंदर मतलब ये कलर शो करेगा, और जब ये कलर शो करेगा तो इसको हम बोलेंगे एजोडाइज, कलर शो करेगा तो इसको क्या कहेंगे, एजोडाइज। एजोडाइज का मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एजो ग्रुप प्रेजेंट है, एजो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोफोर होंगे, क्योंकि ये कलर दे रहा है, कलर देगा, क्रोमोफोर प्रेजेंट है। तो क्रोमोफोर कलर कब देता है, जब उसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्रोमोफोर कलर कब देता है, जब उसके अंदर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फिर हम आगे बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से एजो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है टू नेफ्थिलिक अम्ल और टेट्रा एजोटिक्रत बेंजीलिन। तो दोनों की हमने स्ट्रक्चर बना ली, एजोटिक बेंजीलिन की, बेंजीलिडीन की और नेफ्थिलिक एसिड की। जब दोनों की स्ट्रक्चर को जोड़ा गया तो NaCl की प्रेजेंस में जो ब्लू कलर क्या करता है, डिजोल्व एन रेड कलर में कन्वर्ट होगा। तो ये कांगो रेड किसका है, रेड कलर का। इन दोनों का जो ब्लू कलर था वो किस में, NaCl की प्रेजेंस में, हम बोल सकते हैं कि कांगो रेड जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो किसके रूप में बाहर निकल गए, ये तो बाहर निकल गए, और यहाँ पे टेट्रा था N2 N2, तो ये दोनों N2 क्या कर गए, यहाँ से बॉन्डिंग बना के जुड़ गए। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से N डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N से
एड हो गई। तो एंड डबल बॉन्ड एन का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, क्रोमोफोर आ गया। एंड डबल बॉन्ड एन का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, क्रोमोफोर। और हम जानते हैं कि क्रोमोफोर क्या करता है, कलर शो करता है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए हम जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे क्रोमोफोर के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, कांगोरेड, या हम बोल सकते हैं एक प्रकार की सिंथेटिक डाइज है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज हम बोल सकते हैं कि एक सूचक के रूप में किया जाता है, सूती वस्त्रों को रंगने में या वस्त्रों को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों वस्त्रों को रंगने में इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक मतलब हम बोल सकते हैं पक्की डाइज है, पक्की डाइज है ये। बार इसको ये पानी के साथ बाहर नहीं निकलता, ये कपड़ों से कपड़ों को पानी में डालेंगे तो ये कपड़ों के साथ बाहर नहीं आएगा, या पानी के जो कपड़ों से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए इसको कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। और हम बोल सकते हैं ये कैसी डाइज है, एक एसिडिक डाइज है। कैसी डाइज है, एक एसिडिक डाइज है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एसिड लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी जो डाइज है वो है मेलाकाइट ग्रीन की। मेलाकाइट ग्रीन ये हम चर्चा करेंगे। तो मेलाकाइट ग्रीन भी क्या है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है। अब ये ग्रीन कलर कहाँ से आया है वो देखेंगे। मेलाकाइट ग्रीन, मेलाकाइट ग्रीन है ये क्या है, एक बेसिक डाइज है, बेसिक डाइज है। ये कहाँ से आई है, एरिल में, सॉरी ये क्या है, ट्राई एरिल मेथिल का, ट्राई एरिल मेथिल डाइज का एग्जांपल है। ट्राई एरिल मेथिल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एरिल भी बोल सकते हैं या इसको फेनिल भी बोल सकते हैं, एरिल या फेनिल मेथिल डाइज का क्या है, ये एग्जांपल है। ये क्या है, ट्राई एरिल या फिर फेनिल मेथिल डाइज का क्या है, एग्जाम्पल है। ट्राई एरिल या फिर फेनिल मेथिल डाइज का एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो है NH2 OH NR ये ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, ये ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या है, कलर लेस है। जो हम पढ़ रहे हैं मेलाकाइट ग्रीन वो क्या है, एक बेसिक डाइज है। ट्राई एरिल फेनिल मेथिल, जो ट्राई एरिल या फिर फेनिल मेथिल डाइज का क्या है, एग्जांपल है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 OH NR आदि ग्रुप प्रेजेंट है। ये सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब ये कलर शो नहीं करेगा, इसलिए ये ग्रुप जहाँ जुड़े होंगे वो कैसा होगा, कलर लेस होगा। जो कंपाउंड कलर लेस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ल्यूको कंपाउंड, ल्यूको कंपाउंड, ल्यूको कंपाउंड कहते हैं। ल्यूको कंपाउंड को जब क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। ल्यूको कंपाउंड का क्या करवाया जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, टर्शरी एल्कोहल। ल्यूको कंपाउंड का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, टर्शरी एल्कोहल प्राप्त होगा। और इस टर्शरी एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, कलर बेस, कलर बेस कहेंगे। देखिए ल्यूको कंपाउंड हो गया जो क्या था, कलरलेस था। कलरलेस होने के बाद इसको ल्यूको कंपाउंड कहते हैं। इस ल्यूको कंपाउंड का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टर्शरी एल्कोहल प्राप्त होगा, मतलब तृतीय डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होगा। तृतीय डिग्री का एल्कोहल जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, कलर बेस कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस कलर बेस में हम क्या करवाएं, कलर बेस का क्या करवाएं। तो कलर बेस की जो रिएक्शन है, अब देखो कलर बेस प्राप्त हुआ है लेकिन ये भी अभी तक क्या है, कलर लेस ही है, रंगे नहीं है। कलर बेस की रिएक्शन, कलर बेस की रिएक्शन किससे करवाएं,
एसिड से कलर बेस की रिएक्शन या एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें बेंजोइड कलर डाइज के रूप में क्या होगा, क्विनोइड फॉर्म का एक कलर प्राप्त होगा। एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या है, बेंजोइड डाइज का, या इसको हम बोल सकते हैं क्विनोइड फॉर्म का कलर प्राप्त होगा, क्विनोइड या सीधा लिख देते हैं क्विनोइड रंग, क्विनोइड रंग प्राप्त होगा किसकी प्रेजेंस में है, बेंजोइड डाइज की प्रेजेंस में, या बेंजोइड जो कलर डाइज है उनको क्विनोइड फॉर्म में बदल देता है, या क्विनोइड फॉर्म का क्या हमें प्राप्त होगा, कलर प्राप्त होगा। तो जो कलर बेस हमने लिया उसकी रिएक्शन एसिड से करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बेंजोइड डाइज का क्विनोइड फॉर्म प्राप्त हुआ, बेंजोइड डाइज है, बेंजोइड जो कलर डाइज है उसका क्या बना लेंगे, क्विनोइड फॉर्म में रंग प्रदान करेंगे, या क्विनोइड का रंग कलर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक हम बात करें अपनी, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो मेलाकाइट ग्रीन है वो कैसी है, बेसिक डाइज है, बेसिक डाइज है, तो मतलब इसके अंदर क्या प्रजेंट है, बेस प्रजेंट है, तो इसके अंदर ये क्या है, ट्राई एडिल या फेनिल मेथिल डाइज का एग्जाम्पल है। इसके अंदर कौन से ग्रुप है, NH2OHNR प्रजेंट है। इन तीनों ग्रुपों को हम देख के ये बता सकते हैं कि ये ग्रुप कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, और जहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे उनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड है ये, तो ये क्या है, कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं होता। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं डाइज, हम पढ़ रहे हैं डाइज, और डाइज का मतलब क्या होता है जी, वो क्या करे, कलर शो करे, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो तो कलर ही नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये कलरलेस है तो इनको क्या कहते हैं, जो कलर नहीं देता उनको कहते हैं ल्यूको कंपाउंड। क्या कहते हैं, ल्यूको कंपाउंड। जब इस ल्यूको कंपाउंड का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होता है। ये टर्सरी एल्कोहल को क्या कहते हैं, कलर बेस कहते हैं, और ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, कलरलेस ही होता है। यहाँ भी इसके पास कलर नहीं है, टर्सरी एल्कोहल प्राप्त हुआ लेकिन ये भी क्या है, कलरलेस है, इसके पास भी कलर नहीं है। जब इस कलर बेस को, कलर बेस की जो रिएक्शन है वो किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, कलर बेस की रिएक्शन किसी एसिड की, जो कलर बेस की जो रिएक्शन है वो किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजोइड जो डाइज है, बेंजोइड डाइज है उनकी जो डाइज का क्या है, क्विनोइड फॉर्म प्राप्त होगी, या क्विनोइड जो बेंजोइड डाइज है उसको क्या कर देगा, क्विनोइड फॉर्म में, क्विनोइड रंग जो है उस फॉर्म में चेंज कर देगा, तो हमारे पास क्विनोइड का रंग प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं इनके अंदर जो कौन कौन से जो ग्रुप प्रेजेंट हैं, या मतलब तो कौन से ग्रुप प्रेजेंट है जो हमें क्या करें, मेलाकाइट ग्रीन बनाने में हेल्प करे। तो इसकी जो हम बात करें, सबसे पहले बेंजाल्डिहाइड और जो है डाइमेथिल एनिलीन, डाइमेथिल एनिलीन और बेंजाल्डिहाइड की हम रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो क्या आ गई, बेंजाल्डिहाइड, ये आ गई हमारे पास डाइमेथिल एनिलीन। डाइमेथिल एनिलीन और बेंजाल्डिहाइड जो प्राप्त हुए हैं उनकी रिएक्शन करवानी है। उन इन दोनों की जो रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मेलाकाइट ग्रीन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे इसकी ZnCl2 की प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, यहां से तो यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O का मॉलिक्यूल, तो इसको हम बोल सकते हैं H2O लेके बाहर निकला, तो यहां से ये क्या हो गया, कि यहां पे जुड़ गई। इसको हम बोलते हैं
ल्यूको कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे कोई कलर शो नहीं हुआ। अब इस ल्यूको कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीडेशन। ल्यूको कंपाउंड क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ये किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए। NME2 ऑक्सीडेशन करवाते ही ये हाइड्रोजन के पास आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया? ट्राई, जो टर्शियरी एल्कोहल था वो प्राप्त हो गया। ये क्या है? कलरलेस है, इसको हम कहते हैं कलर बेस, कलर बेस कहते हैं, जो कि क्या है कि कलरलेस है। अब कलर बेस हमें प्राप्त हो गया, यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसी के आगे क्या करवाएंगे, किसी एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, तो इसी को आगे घुमा लेते हैं हम। H प्लस या फिर OH माइनस है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो जो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन है, या चाहे इसी ये रिंग का ले लो, चाहे इस रिएक्शन का, जो नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को आगे शिफ्ट करेगा। जैसे ही आगे शिफ्ट करेगा, यहाँ से जो बॉन्डिंग थी वो भी शिफ्ट होगी, जो बॉन्डिंग है वो भी शिफ्ट होगी, और आगे वाले कार्बन की बॉन्डिंग भी शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम बात करेंगे किस प्रकार से चेंज होगा, NME2 बॉन्डिंग शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, NME2, और ये हमारे पास क्या आ गई? बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ से जो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, डबल बॉन्ड प्राप्त हो गया। डबल बॉन्ड प्राप्त हुआ है कहाँ से? जब ये नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर को ट्रांसफ़र किया, लोन पेयर ट्रांसफ़र होते ही यहाँ पे क्या आ गई, इनकी जो बॉन्डिंग थी उनकी पेयरिंग हुई, पेयरिंग होने के बाद ये हमारे पास क्या आ गए, डबल बॉन्ड हो गए। और इसको हम क्या कहते हैं, मेलाकाइट ग्रीन कहते हैं, मेलाकाइट ग्रीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है। तो देखिए मेलाकाइट ग्रीन के अंदर हमने पहले देखा था कि ये ट्राई एरिल या फेनिल मेथिल डाइज का एग्जांपल था, जिसके अंदर NH2OH और NR ग्रुप प्रेजेंट थे। इन ग्रुपों की प्रेजेंस के आधार पर हम बोल सकते थे कि ये कैसा है, कलरलेस है। इन ग्रुपों की प्रेजेंस के आधार पर हम बोल रहे थे कि ये कलरलेस है। जो कंपाउंड कलरलेस होता है उनको कहते हैं ल्यूको कंपाउंड। और इस ल्यूको कंपाउंड का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ट्राई या टर्शरी जो एल्कोल है उसमें प्रेजेंट होगा। टर्शरी एल्कोल क्या है, इसको क्या कहते हैं, कलर बेस कहते हैं, कलर बेस कहते हैं। लेकिन ये भी क्या है, कलरलेस है, इसके अंदर भी कोई कलर नहीं है। इस कलर बेस की रिएक्शन जब किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये बेंजोइक डाइज का क्या कर देता है, क्यूनोइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये क्यूनोइड फॉर्म क्या देती है, कलर देती है। तो हमें लिख दिया सीधा, क्यूनोइड रंग देता है, बेंजोइक डाइज का क्यूनोइड रंग देता है। अब हमने इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल लिए, इसको कहते हैं डाईमेथिल एनिलीन, डाईमेथिल एनिलीन, और इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। इन दोनों की रिएक्शन करवाई जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हार्टर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये क्या बना लेगा, जो बॉन्डिंग बनाएगा ल्यूको कंपाउंड। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ल्यूको कंपाउंड आ गया। इस ल्यूको कंपाउंड, यहाँ से ल्यूको कंपाउंड का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। ल्यूको कंपाउंड का करवाया ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास क्या आ गई, कलर बेस प्राप्त हुआ, जो क्या है, कलरलेस है। इस कलर बेस की हमने क्या करवाई, किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो हमारे पास मेलाकाइट ग्रीन आया। मेलाकाइट ग्रीन आने से पहले जो नाइट्रोजन की बॉन्ड, जो लोन पेयर थे वो क्या करने लगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपेट करने के बाद इसकी जो बॉन्ड्स की जो पेयरिंग थी वो होने लग गई और ये क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए और हमारे पास क्या आ गया, मेलाकाइट ग्रीन आ गया। अब आगे हम बात करेंगे इसके यूज की, तो इसकी हम बात करें तो ये मेलाकाइट ग्रीन, इसे पहले हमने देख लिया है कि इसके अंदर जो क्या करे थे, इसको हम बोलते हैं बेसिक डाइज कहते हैं। बेसिक डाइज की हम बात करें तो इसके अंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, बेस की प्रेजेंस में हम बोल सकते हैं, या जो कलर बेस बनाया था, क्या कहते थे इसे, एल्कोहल को कलर बेस कहते थे या कलर बेस कहते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेसिक डाइज भी कहते हैं, या हम तो बोल सकते हैं कि बेस की प्रेजेंस में काम करता है।
तो मेलाकाइट ग्रीन हो गया। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ट्राई एडिल फेनिल मेथिल डाइज का एग्जाम्पल था, एन एच टू ओ एच एन आर इसके अंदर ग्रुप थे। इन ग्रुपों के आधार पर हमने बताया कि ये क्या करता है, कलर शो नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर सेचुरेटेड कंपाउंड है और कलर देने के लिए क्या होना चाहिए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। तो इस ग्रुप के आधार पर हमने बता दिया है कलरलेस है, कलरलेस है तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, ल्यूको कंपाउंड। ल्यूको कंपाउंड का हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसको क्या मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होगा। टर्सरी एल्कोहल का क्या कहेंगे, कलर बेस कहेंगे। टर्सरी एल्कोहल को क्या कहते हैं, कलर बेस कहते हैं। और इस कलर बेस की क्या करवाते हैं, किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं कलर बेस की, या एम बोल सकते हैं जो ल्यूको बेस है, ल्यूको बेस है उसकी क्या करवाते हैं, किसी एसिड या हम बोल सकते हैं एसिडिक एसिड की बेस में जो रिएक्शन करवाते हैं। तो ये कलर बेस क्या करता है, HCl से अम्लीकृत हो जाता है। HCl जो हमने काम में ले रहे थे वहाँ से अम्लीकृत होगा, HCl से अम्लीकृत होगा तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो शिफ्ट हो जाएगी और बेंजोइड डाइज का क्विनोइड रंग प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, क्विनोइड रंग प्राप्त करना था जो मेलाकाइट ग्रीन का है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए बेंजल्डिहाइड और डाइमेथिल एनिडीन की, इन दोनों की स्ट्रक्चर की जो रिएक्शन बन ली, स्ट्रक्चर लिखी, और यहाँ से क्या करवा दिया, जिंक क्लोराइड की प्रजेंस में रिएक्शन करवाई, जिंक क्लोराइड प्रजेंस में रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पे क्या बना, ल्यूको कंपाउंड। हम जानते हैं ल्यूको कंपाउंड कैसा है, कलरलेस है, इसका क्या करवाया, ऑक्सीडेशन, इसका करवाया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें प्राप्त हुआ कलर बेस, कलर बेस प्राप्त हुआ। तो कलर बेस में हमने देखा इसकी रिएक्शन में क्या करवानी है, किसी एसिड की प्रेजेंस में करवानी है, लेकिन यहाँ से क्या हो गई, नाइट्रोजन के जो हम बोल सकते हैं लोन पेयर थे वो क्या कर गए, बॉन्डिंग में ट्रांसफर होने लग गए या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लग गए। तो फिर हमने इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या आ गया, मेलाकाइट ग्रीन प्राप्त हो गया। और मेलाकाइट ग्रीन मतलब इसमें कलर है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, मतलब सेचुरेटेड से ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, अनसेचुरेटेड में कंपाउंड हो गया। तो मेलाकाइट जो ग्रीन थी वो यहाँ तक कंप्लीट हुई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का जो थर्ड या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट डाइज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट। देखिए क्रिस्टल वॉयलेट की हम चर्चा करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट के बारे में हम बात करें तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर किस प्रकार का देगा, वॉयलेट कलर का देगा। वॉयलेट का मतलब बैंगनी कलर देगा। और ये भी हम बोल सकते हैं ट्राई एरिल मेथिल एग्जांपल है, ट्राई एरिल मेथिल डाइज का ही क्या है, एग्जाम्पल है, ट्राई ड्राई डाई मेथिल का ही क्या है, एग्जाम्पल है। और ये मिशेल कीटोन और डाई मेथिल एनिलिन जो कि डाई मेथिल एनिल है उसकी प्रेजेंस में काम करता है। तो इसके अंदर एजो ग्रुप जो कौन से होंगे, एक तो होगा डाई मेथिल एनिलिन और एक होगा मिशेल होगा, मिशेल को हम क्या कह सकते हैं, मिशेल कीटोन भी कह सकते हैं, मिशेल कीटोन भी कह सकते हैं, मिशेल कीटोन भी कह सकते हैं। तो इन दोनों जो ग्रुप हैं उन दोनों की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, डाई मेथिल एनिलीन और मिशेल कीटोन की, कीटोन की स्ट्रक, मिशेल कीटोन किस प्रकार से बनता है, यहाँ से हम एन को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एन एम ई टू इसको बोलते हैं हम कीटो मिशेल या मिशेल कीटोन, मिशेल कीटोन। दूसरा हम क्या लेते हैं, डाइमेथिल एनिलीन, एन एम ई टू। तो जब ये स्ट्रक्चर से जुड़ेगी तो यहाँ जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये अपने बॉन्ड जो थे,
उनके अंदर भी क्या करेगा, चक्रण जो है वो अनुनाद प्रजेंट हो जाएगा और ये क्या कर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या लेगा, ये हाइड्रोजन लेगा, कितने लेगा, दो हाइड्रोजन लेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि एक तो बॉन्डिंग के रूप में और एक यहाँ से पहले निकल जाएगा। ठीक है, कौन किसकी प्रेजेंस में काम करेगा, PbO2 मतलब पैलेडियम डाइऑक्साइड, और हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक। तो PbO2 की प्रेजेंस में और हम बात करें, ये क्या करता है, सॉरी पीबी क्लोराइड की, पी जो फॉस्फोर ऑक्साइड जो क्लोराइड है POCl2 उसकी प्रेजेंस में और COCl2 की प्रेजेंस में ये काम करता है। PO Cl2 और COCl2 की प्रेजेंस में ये काम करता है। तो यहाँ से जो भी नाइट्रोजन इसके जो बॉन्डिंग्स को शिफ्ट करवाएंगे, नाइट्रोजन जो लोन पेयर थे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये तो क्या हो गई दो बेंजीन। अब हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड जो ये रिंग है वो उसके आगे शिफ्ट करवाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जैसे इसकी बॉन्डिंग शिफ्ट हुई तो नाइट्रोजन ने अपने बॉन्डिंग यहाँ दिए, तो यहाँ के आगे लोन पेयर आए तो अपने बॉन्डिंग आगे शिफ्ट करवाई, तो इस बॉन्डिंग को चक्रिंग इधर बॉन्ड को बाहर निकाल दिया, डबल बॉन्ड आ गए। तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, इसको हम बोल सकते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्रिस्टल वॉयलेट का एक डाइज आ गई, रंजक आ गया। किसकी प्रेजेंस में है, POCl2 या COCl2 की प्रेजेंस में इसने रिएक्शन की है। इन दोनों की हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये वीक एसिड में भी काम करता है और जो बेस की प्रेजेंस जो अपरबल अम्ल में भी काम करता है और दुर्बल अम्ल में भी काम करता है। तो आगे हम बात करें, सबसे पहले इसके जो उपयोग थे उनमें ये कैसी है, एक एसिडिक डाइज है, ये क्या है, एक एसिडिक डाइज है। तो एसिडिक डाइज है, ये क्या है, एक एसिड डाइज, मतलब इसमें एसिड प्रजेंट है, एसिड प्रजेंट है। तो एसिडिक डाइज की हम बात कर रहे थे, एसिड प्रजेंट है तो ये क्या देगा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम का इसका नेचर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो दुर्बल अम्ल के साथ में, तो हम बोल सकते हैं कि आवेशित आयन देगा। कब, दुर्बल अम्ल प्रजेंट है तो कितने देगा, एकल आवेशित आयन देगा। अगर जो डाइज है वो दुर्बल अम्ल में प्रजेंट है तब तो हम क्या बोलेंगे, ये एकल आवेशित देगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में प्रजेंट है तो ये क्या देगा, द्विआवेशित आयन देगा। कहने का मतलब ये एसिड की प्रजेंस में डिफरेंट काम करता है। अगर एसिड वीक है तब तो ये क्या देगा, एक आयन देगा, एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है तब ये क्या देगा, दो आयन देगा। तो एकल आवेशित और द्विआवेशित दोनों टाइप के ये आयन देता है, कौन, क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी को एक बार रिवाइज करें तो ट्राई में जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो क्या है, ट्राई एरिन मेथिल डाइज का एग्जाम्पल है। इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी कलर होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बैंगनी कलर होता है। ये बैंगनी कलर भी क्या, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो क्या करता है, वस्तुओं को रंगीन करने में काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर डाइमेथिल एनिलीन और मिशेल कीटोन दोनों एजो ग्रुप हैं, उनकी रिएक्शन करवाने के समय क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल वॉयलेट प्राप्त होता है। तो मिशेल कीटोन और जो एनिलीन का जो नाइट्रोजन डबल जो लोन पेयर थे उसने क्या कर दिया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, यहाँ जब ये ओ जुड़ेगा तो यहाँ H2 और H2 क्या कर जाएंगे, इसको लेके बाहर निकल जाएंगे, H2 यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो H2O का मोलिक्यूल बाहर निकला तो इनके जो बॉन्डिंग में क्या हुआ, चक्रण पैदा हो गया या अनुनाद आया। तो इसकी जो बॉन्डिंग थी वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई दोनों, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं अभी, NME2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसके बाद चक्रण पैदा हुआ तो ये दोनों बॉन्डिंग में क्या हो गई, ट्रांसफर, और इसने अपना एक बॉन्ड क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को दिया। तो डबल बॉन्ड में पहले से कार्बन था, इसने अपने हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्डिंग निकाली और वाटर का मॉलिक्यूल लेके ये
बाहर निकल गया। तो यहाँ तक हमने थ्री टाइप के क्या देख लिए, डाइज देख ली। थ्री टाइप की हमने क्या देखी, डाइज देख ली। तो हम बात कर सकते हैं कि ये तीनों टाइप की डाइज जो हैं वो सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल थी, हम वो संश्लेषित की गई थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो हम बात करें कि हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर की हम चर्चा करेंगे, नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।